हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देखते हैं मार्केट मंडे को कहाँ पे वर्क कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ पैटर्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ लर्निंग पर्पस के लिए। एक अपडेट और है कि देखो विप्रो का रिसेंटली रिजल्ट आया जिसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउन था, अब पता नहीं क्या ही होता है। तो वही है जिसके पास है होल्ड करो मेरी तरह, है ना यार। बहुत मतलब पूरा पोर्टफोलियो लाल करके रख दिया है। अभी चलिए देखते हैं हमारा मार्केट कहाँ पे वर्क कर सकता है। होप्स यू गाइस दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ओपन है डे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, होप्स यू गाइस आप समझ पा रहे होंगे। जस्ट वन, हाँ यहाँ पे ये देखो फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। अभी इसका ब्रेकआउट कहाँ पे है, इसका ब्रेकआउट है 45,000 के ऊपर, ठीक है, मतलब 45,050 के ऊपर। सो यहाँ से आप कुछ एक लॉजिक समझ गए होंगे ना, क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट पे, इसका ब्रेकआउट किसके ऊपर हमारे लिए सस्टेनेबल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 15 मिनट पर देखेंगे तो मार्केट ब्रेकआउट हर बार फेक ब्रेकआउट कर देता है, फंसा देता है, ठीक है। अभी आपको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। देखो ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी है एक नेगेटिव चैनल में, ठीक है, बैंक निफ्टी एक लोअर चैनल में, ये देखो एक लोअर चैनल पे चल रहा है, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड ना निफ्टी देखो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये थोड़ा सा इशू है क्योंकि यार एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे, अब फंसता कौन है, निफ्टी वाले कि बैंक निफ्टी वाले, द थिंग इज दैट, ओके। सो यहाँ पे होप्स क्या था, आप ये बड़े पिक्चर पे समझ पा रहे हैं, एक इंडेक्स ऊपर है एक इंडेक्स नीचे, मतलब दोनों ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं चलता है ना, दोनों को श्रिंक होकर एक साइड चलना चाहिए। अभी देखते हैं क्या है। देखो लास्ट टाइम हमको पता है एक बहुत हमारे लिए प्राउड मूवमेंट थी, है ना, चंद्रयान 3, वो सक्सेसफुल रहा जिसके कारण हमारा मार्केट भी एकदम रॉकेट बन गया, ऊपर भागा, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी देखते हैं हमारे लिए कल कैसा मार्केट दिख रहा है। इफ़ वी गो ऑन दैट गिफ्ट निफ्टी ना, इट इज शोइंग पॉजिटिव, मींस मार्केट विल ओपन गैप अप टू साइडवेज, वी विल एज्यूम दैट, ओके। तो इसमें सिचुएशन क्या है, फॉर एग्जांपल देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉपर आपको दिख रहा है एक चैनल है यार, है ना यार, अब एकदम आप ऐसा मत समझना, है ना, प्रॉपरली बता रहा हूँ मैं, इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कहाँ गया यार चैनल। सो यहाँ पे मिल गया, अभी हम इसको चैनल मार्क कर लेते हैं। होप्स यू गाइस दिख रहा होगा, ये देखो एक प्रॉपर चैनल है ना, थोड़ा समझ जाओ, एकदम नहीं मार्क किया है ना, तो ये एक चैनल में चल रहा है मार्केट। अब जब ये इसका ब्रेकआउट देगा ना तो हमारे लिए एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम, 1, 2, 3, 4। सो इफ इट विल ब्रेक आउट ना लाइक अराउंड 45,550 के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको डे टाइम डे टाइम फ्रेम पे दिखाया, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट एग्जैक्ट यहीं पे है, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है देन हमारे लिए बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। बट अवेयर है ना, क्योंकि कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस लाइक 45,400 एंड है बहुत सारी जगह, सो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत सारी जगह हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। सेलिंग साइड में कब, सेलिंग साइड में जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं ओपन हो जाता, क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे एज पर लॉजिक मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, गैप अप होने के बाद ऊपर चला जाता है, ये 200 EMA लगा हुआ है, ठीक है, 200 EMA आप चाहो तो मार्क कर सकते हो। मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर बैंड हो जाता है। इसका इसको आप देख के क्या समझ पा रहे हैं कि यार बायर्स में उतनी पावर नहीं है। देखो ओवरनाइट तो ग्लोबली पॉजिटिव इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, बट ये बायर्स इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। सीन क्या है, अभी एक बंदा और सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ से नीचे ले आ रहे हैं। अभी यहाँ पे हारता कौन है, इंपॉर्टेंट वो है ना कि बायर्स ने अगर छोड़ दिया कि छोड़ यार अब ऊपर नहीं जा रहा है तो घुस जाएगा मार्केट, और अगर सेलर्स ने छोड़ दिया कि यार अब हमें और शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं है तो फिर बायर्स अपनी पावर से ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, सेलिंग साइड बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है दैनिक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 200 EMA विल प्ले अ वाइटल रोल, सो कीप योर आई ऑन दैट। सो होप्स आप सिंपल सा लॉजिक समझ गए होंगे। निफ्टी में यार निफ्टी देखो, अभी आपको बताऊँ अगर निफ्टी ब्रेकआउट किया ना तो निफ्टी में ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता ना तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत चांसेस है अपसाइड बूम करने के। डाउन साइड में सपोर्ट है मार्केट में, ठीक है, यहाँ कहीं पे देख लो सपोर्ट है, पॉइंट पॉइंट पे सपोर्ट है, 19,500 पे सपोर्ट है, 19,600 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेलिंग कब करेंगे, जब मार्केट, मैंने लेवल मार्क किए दिन का है दिन का लो, मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ तो यार मैं ट्रेड में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए कोई, है ना, क्योंकि अगर एक बार मार्केट ने ब्रेक करके वो लेवल, मतलब वो लेवल वो डायरेक्शन को फॉलो किया ना सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में, देन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट
ट्राई करना कि फंसू ना, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है और ये निफ्टी अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें लॉजिकल है। मैंने सिर्फ डिस्कस किया है, मैं आपको कुछ बाइंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लॉजिक आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया हुआ है ना, तो प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाने वाला हूँ, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मातरम।